नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गर्दा उड़ा करके भैया वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जितने भी पवन भैया के फैन है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही अपना ज्ञान हमारे कमेंट बॉक्स में परोसिएगा। आपको बता दें कि कल पवन सिंह जी का वो गाना आया, भाभी जी के चाटला, क्या चाटला ना चाटला, उसके बारे में भैया बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है। आपको बता दें, पिछले साल खेसारी लाल यादव जी का एक चैता सॉन्ग आया था, अरे अब ये बोलमुआ मुलायम कर चहट के, चैता सॉन्ग था और ये चैता गाना सुपर डुपर हिट रहा। अब उसी गाने को भैया पवन सिंह जी ने कॉपी करके गा दिया है। जी हाँ, खैर एंगल म्यूजिक से पवन सिंह जी का गाना आया है और एंगल म्यूजिक का ही भैया धुन है, लेकिन इतने बड़े पावर स्टार खेसारी लाल यादव जी के धुन को चुरा करके गा रहे हैं, कॉपी करके गा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता भैया। जी हाँ, यदि खेसारी लाल यादव कुछ गा दे तो अभी देखिए कितना लोग बोलता है खेसारी लाल यादव ने गाना चुरा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलनवा ढिमक्का। खेसारी लाल यादव ने गाना गाया अपनी तो जैसे तैसे बहुत सारे लोग बोलने लगे खेसारी लाल यादव ने गाना चोरी कर लिया, चोरी कर लिया। लेकिन जब पवन सिंह ने गाना गाया पार्ले जी खिया के मजा मार लीजिए, कई ले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, दिल्ली कसम माँ कसम दिल्ली सरकार हिला दूं, इस टाइप के गाना का यदि पवन सिंह कॉपी करते हैं तो रीमेक गाना हो जाता है भैया, समझे ना। इससे भैया को इज्जत बचाने का नया तरीका है, पवन सिंह यदि कुछ करे तो जबरदस्त चमत्कार, और खेसारी लाल यादव करे तो करेक्टर ढीला। आपको बता दें, अब खेसारी लाल यादव जी का जो गाना था भैया मुलायम कर छाट के, उस गाने को भैया पवन सिंह जी ने कॉपी करके गा दिया है, और कॉपी करने के बाद भी गाना का भैया व्यूज नहीं गया है, यानी कि खेसारी लाल यादव के लकीर पे रैंक भी नहीं पा रहे पवन सिंह। एक दिन में भैया 1 मिलियन व्यूज नहीं गया है, हमारे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, 17,000 लाइक है, लगभग 17,000 कमेंट है और 1,08,000 लाइक है भैया। जी हाँ, एक दिन में, वन डे देखिए लिखा हुआ है। खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे भैया, बहुत सारे को मिर्ची और दर्द हो जाएगा, लेकिन जो बात हकीकत है, जो सच्चाई है भैया, आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जी हाँ, अब पवन सिंह भैया क्यों कॉपी किए खेसारी लाल यादव जी का गाना, इतना बड़ा सुपर स्टार है, इतना जबरदस्त उनके पास राइटर है, लेकिन बस मुलायम को रचाट के खेसारी लाल यादव जी का गाना कॉपी करके गा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खेसारी लाल यादव जी छोटे हैं पवन सिंह से, खेसारी लाल यादव यदि पवन सिंह का गाना कॉपी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पवन सिंह पावर स्टार, ना जाने ग्लोबल स्टार नामा चुरा लिए हैं खेसारी लाल यादव जी का। खैर कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया, पवन सिंह जी हैं, लेकिन पवन सिंह इतना बड़ा स्टार होकर के मैंने खेसारी लाल यादव जी का गाना कॉपी कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। भले उसी कंपनी का धुन है, उस धुन का राइट है भैया, राइट्स है एंगल म्यूजिक के पास, लेकिन भैया राइट्स होने के बाद ये थोड़ू है कि आप गाना चुरा लीजिएगा खेसारी लाल यादव का, कॉपी करे गाना करे, कोई नया सिंगर गाता तो भैया बात का बात होता है। खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे भैया, बहुत सारे को दर्द मिर्ची लग रहा होगा, आपका भैया राय क्या है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम।